बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिंबलिज्म। डेफिनेशन देखनी है हिस्ट्री, इसकी एग्जांपल लिटरेचर में इसकी क्या अहमियत है, एज अ लिटरेरी फिगर, एज अ लिटरेरी डिवाइस सिंबलिज्म क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिंबलिज्म को थॉरली देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंबलिज्म बेसिकली एक लिटरेरी डिवाइस है। लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? ऐसी डिवाइसेस, ऐसी टेक्निक्स जो लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं। कोई भी लिटरेचर का वर्क हो गया, पोइम हो गया, नॉवल हो गया, ड्रामा हो गया, उनके अंदर इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो लिटरेरी मेरिट है या आर्टिस्टिक वैल्यू है किसी भी लिटरेचर के वर्क की, उसको बढ़ाई जा सके। इसके अलावा सिंबलिज्म बकायदा एक आर्टिस्टिक मूवमेंट भी रह चुकी है। अगर सिर्फ सिंबल होता तो हम कहते कि भाई कोई भी फिनोमेना है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इज़्म का साथ जुड़ जाना ये बताता है कि ये बकायदा एक मूवमेंट रह चुकी है। 19वीं सेंचुरी के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और बेसिकली फ्रांस के अंदर ये स्टार्ट हुई थी, और ये रिएक्शन था किसके खिलाफ? नेचुरलिज्म और रियलिज्म के खिलाफ था। तो डेफिनेशन की तरफ वापस चलते हैं कि सिंबलिज्म इज़ अ लिटरेरी डिवाइस और अ टेक्निक और आर्टिस्टिक मूवमेंट इन विच सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट द डीपर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लिटरेरी सेंस। यानी कि सिंबल्स को यूज़ किया जाता है कोई भी मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे जैसे अब हम किसी को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे जहर लगते हो। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ जहर है, बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कड़वाहट को, जो कि डेथ को सिंबलाइज करता है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो सिंबल्स होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि भाई चांद एक ऑब्जेक्ट है कि मेरा बेटा चांद है। अब जो चांद है बेसिकली वो क्या चीज़ को शो करता है? यूनिकनेस को शो करता है, अपनी ब्यूटी को शो करता है। इसी तरह कोई कैरेक्टर भी हो सकता है कि जैसे मेरा बेटा हीरो है। अब जो हीरो है वो एक करेक्टर है। इसी तरह फिगर भी हो सकता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा ही गनी है, गनी मीन कि भाई वो बहुत ज़्यादा अमीर है। इसी तरह कोई कलर भी हो सकता है कि भाई रेड कलर जो है वो वैलेंटाइन डे के लिए मखसूस किया गया है, या फिर रेड कलर मोहब्बत के लिए मखसूस किया गया है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी चीज़ एज अ सिंबल इस्तेमाल की जा सकती है। सिंबलिज्म राइटर और ऑथर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कम्प्लेक्स आइडिया या इमोशन को इनडायरेक्टली कन्वे कर सकें। अब बहुत सारी चीज़ों को हम बयान लिख के नहीं कर सकते, या हम बयान ऐसे नहीं कर सकते कि सीधा बोल दें तो लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल कोई किसी से कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब मोहब्बत को वो किस तरह दिखाएगा? मोहब्बत क्या कोई चीज़ दिखा सकती है? नहीं। हाँ, रेड कलर के बलून्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये वो ऑब्जेक्ट हैं, ये वो सिम्बल्स हैं जो कि मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी तरह जो ब्लैक कलर का ड्रेस है वो डेथ को मॉर्निंग को शो करता है, वाइट कलर का ड्रेस है, रेड कलर का ड्रेस है वो वेडिंग को शो करता है। मुख्तलिफ तरह के कलर्स, जो ग्रीन कलर है जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तो वो पीस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वो यूरोपियन कल्चर के अंदर जहर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंट तरह की चीज़ें जब कोई ना कोई मायने कन्वे करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं तो उनको बेसिकली सिम्बलिज्म के अंदर लेके आया जाता है, और जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्टर हो गया, फिगर हो गया, वो सिंबल कहलाता है। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि सिंबलिज्म बेसिकली एक मूवमेंट भी रह चुकी है 19वीं सेंचुरी के अंदर, और रियलिज्म और नेचुरलिज्म के ऑपोजिट ये आई थी। रियलिज्म जो हकीकत पे मबनी है और नेचुरलिज्म जो नेचर पे मबनी है, इन दोनों के ऑपोजिट में आई थी। और 1880s के टाइम पीरियड के अंदर यूरोप के अंदर इसका बहुत ज़्यादा काम किया गया था, जैसे बेल्जियम, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस मूवमेंट पे फोकस किया गया था और इसको एलिगरी जैसी चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया गया। और क्यों किया गया बेसिकली इन सिंबल्स का इस्तेमाल? ताकि किसी भी सूरत में कम्प्लेक्स आइडिया को या इमोशन को कन्वे किया जा सके। कम्प्लेक्स आइडिया क्या सा होता है? जैसे सुपर नेचुरल हो गया। अब सुपर नेचुरल से मुराद क्या हो गया? जो घोस्ट हो गए, विचिज़ हो गए, अब इनको भी मुख्तलिफ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कोई औरत हो जो कि जिसके बाल बहुत बड़े हुए हों, जिसके हाथ बहुत लंबे हों, नाखून बहुत लंबे हों, वो विचिज़ की तरह इस्तेमाल होती है। इवन के जो एक कैप होती है जिसपे तिकोन नुमा सी कैप होती है, उसको भी विच के लिए यूज़ करते हैं। इमोशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जो डव का जोड़ा होता है जो उसको सिंबलाइज, वो सिंबलाइज करता है लव को, पीस को और फ्रीडम को। इसी तरह रेड कलर जो है वो पैशन ऑफ लव और एंगर को भी करता है। अगर ब्लड पड़ा हो तो बेसिकली मर्डर को भी करता है। इसी तरह अगर ब्रोकन चेन आपको दिखाई जाए, मूवी स्टार्ट होती है उसमें ब्रोकन चेन आपको दिखाई जाती है, तो आपको पता लगता है कि भाई यहाँ सिंबलाइज किया गया है फ्रीडम को, किस से? ऑपरेशन से, यानी कि एक इंसान ब्रस्ट होके निकला है। इसी तरह अगर कहानी स्टार्ट होती है और स्टॉर्म दिखाया जाता है, तो स्टॉर्म जो दिखाया जाता है वो क्योस और टर्मोइल को दिखाया जाता है।
इसी तरह मुख्तलिफ सिनेरियोस के अंदर अगर आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, एक कोठी दिखाई जाती है जिसमें डार्क ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, जाले लगे हुए हैं और सारा सामान जो है इस तरह बिखरा पड़ा है और ख़राब सिचुएशन नज़र आ रही है, तो आपको जिन भूत जैसी चीज़ें नज़र आ रही होती कि ये जो स्टोरी है बेसिकली हॉरर होगी, कोई लव स्टोरी नहीं है ये। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सिम्बलाइज करती हैं। सिम्बलिज्म हर तरह के लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सिम्बलिज्म इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज टू इनहैंस द डेप्थ एंड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। अगर आप सारी बातें सीधी सीधी सिंपल तरीके से कह देंगे तो ज़िंदगी के अंदर और लिटरेचर के अंदर वो मज़ा नहीं रहेगा, यानी कि आर्टिस्टिक वैल्यू उसकी डिवेलप नहीं होगी। हाँ, आप अपने इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं सिंपल अल्फाजों के साथ भी, लेकिन जब आप उसे घुमा फिरा के करते हैं तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे लॉर्ड्स ऑफ लाइट्स जो हैं, विलियम गोल्डिंग ने लिखा हुआ है। अब लॉर्ड ऑफ लाइट्स के अंदर जब आप उसका कवर देखते हैं बुक का, तो उसके अंदर एक खोपड़ी होती है और खोपड़ी के ऊपर से गोश्त उतरा हुआ होता है और उसके ऊपर फ्लाइज जो हैं वो इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, वो सिंबलिज्म का यूज़ करना चाह रहा है। जो सिंबलिज्म है वो किसी तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को शो कर रहा हो, जैसे कि एक छुरी है जिसके ऊपर खून लगा हुआ है और किसी बंदे ने उसको पकड़ा हुआ है और वो उसे साफ कर रहा है। मूवी का स्टार्टिंग सीन है ये, तो उसमें आपको पता लगता है कि भाई कोई मर्डर हो गया है। इसी तरह कलर रेड है, रेड कलर मोस्टली अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन मूवीज़ के अंदर जब कोई डेट पर जाता है, जब शादी होती है, तो वो रेड कलर को वेयर करते हैं। इसी तरह कोई एनिमल भी स्टार्ट में दिखाया जा सकता है, जैसे फॉक्स का एनिमल दिखाया जाए, जैसे कैट का एनिमल दिखाया जाए, ब्लैक कैट दिखाई जाए स्टार्ट के अंदर। नेचर भी दिखाई जा सकती है, स्टोन, ट्रीज, वाटर सिंबॉलिक मीनिंग रखते हैं। इसी तरह कोई करेक्टर भी हो सकता है, कोई ऐसा पुराना हिस्ट्री का, जैसे कि नाइट दिखाया जाए, किंग क्वीन दिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यूज होती हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, और सिंबलिज्म बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन किसी आर्टिस्टिक तरीके से की जाए। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसके अंदर जो पहली टाइप मेरे पास मौजूद और आर्चीटिपिकल टाइप है। आर्चीटिपिकल टाइप क्या होती है कि भाई क्रॉस कल्चरल मीनिंग होना, या किसी भी सिंबल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिवर्सल मीनिंग होना। जैसे कि लव्स हीरो है कि ये कहानी का हीरो है, यानी कि ये मेन लीड है। इसी तरह विलन या फिर मेंटर या फिर टीचर जैसे लव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? ये शो करने के लिए कि भाई ये सिंबलिज्म के तौर पे, और ये वो हीरो हैं। अगर हीरो का मतलब पाकिस्तान में हीरो है, तो वो यूरोप में भी हीरो का मतलब हीरो ही है। वो कंट्री वाइज वेरी नहीं कर रहा, वो यूनिवर्सल है। इसी तरह कल्चरल सिंबलिज्म होता है, जिस एक स्पेसिफिक कल्चर के अंदर होता है, जिस स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर होता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिक हो, उर्दू बोलने वालों में स्पेसिफिक हो, इंडिया के अंदर स्पेसिफिक हो। इसी तरह कॉन्टेक्चुअल सिंबलिज्म भी होता है। कॉन्टेक्चुअल सिंबलिज्म का मतलब ये होता है कि जो उसी वर्क के अंदर उसी वक्त ज़रूरी हो, स्पेसिफिक हो। इसी तरह एलेगोरिकल भी होता है। एलेगोरिकल सिंबल्स क्या होते हैं? बेसिकली वो मेटाफर को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रूथ, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको बढ़ा चढ़ा के इजहार किया जाए। इसी तरह जो सिंबल्स हैं उनकी भी फर्दर टाइप्स आती हैं। पिक्टोरियल ग्राम सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आइकन होते हैं या सिंबल्स होते हैं जो के रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या एक्शन को। जैसे वार्निंग का साइन दिखाया जाए और डेथ का साइन दिखाया जाए स्टार्टिंग में मूवी के। इसी तरह आइडियोग्राम्स होते हैं। आइडियोग्राम ऐसे सिंबल होते हैं जो आइडिया या किसी कॉन्सेप्ट को शो करते हैं। जैसे कि चाइनीज़ कोई भी आइडियोग्राम हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, फायर का सिंबल हो सकता है। इसी तरह आइकन्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, आइडिया को, ऑब्जेक्ट को। मुख्तलिफ तरीके के आइकन्स हो सकते हैं, वो रिलीजियस हो सकते हैं, जैसे रिलीजन झंडा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। इसी तरह रिबस, अगर कोई जुमला लिखा हुआ है, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है स्टार्टिंग के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, तो वो रिबस है। इसी तरह फोनोग्राम है, अगर कोई साउंड यूज़ की गई है, कम्बिनेशन ऑफ साउंड यूज़ की गई है, तो वो फोनोग्राम के अंदर आता है। टाइपोग्राम यही सिंबल्स को, यही साउंड्स को जब आप विजुअली देखते हैं या विजुअली लिखा हुआ होता है, आप उसको देख पा रहे होते हैं, तो वो टाइपोग्राम होते हैं। लोगो स्पेसिफिक ट्रेडमार्क, यूनिक सिंबल, यूनिक चीज़ें होती हैं जो यूनिक एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जो फंक्शन है सिंबल्स के या सिंबलिज्म के, वो चार हैं। पहला, मोटिवेट करना। भाई एक चीज़ से सिंपल सिंपल जा रही है, लोगों को थोड़ा सा उसमें इंटरटेनमेंट चाहिए। सोशल, जो सिंबल्स हैं वो सोसाइटी को कनेक्ट करते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं। तीसरा, उसका मकसद होता है मीनिंग को कन्वे करना, यानी कि कम्युनिकेट करना। और लास्ट, उसका फंक्शन है क्लैरिफिकेशन या डिस्क्लोजर। क्लैरिफिकेशन से मुराद ये है कि चीज़ों को खोल के बयान करना, साफ सुथरी करके बयान करना। सिंबलिज्म को एज अ फिगर ऑफ स्पीच भी यूज़ करते हैं। जब किसी भी लिटरेरी एनालिसिस के अंदर हम कोई भी पोएम, नॉवल या ड्रामे का एनालिसिस करते हैं, तो उस एनालिसिस के अंदर अगर सिंबलिज्म जगह जगह मिलता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है।
या फिर उसको रिटन में भी ओरल में भी यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह सिंबलिज्म लिटरेचर के अंदर, उर्दू लिटरेचर, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह के लिटरेचर के अंदर जगह जगह आपको मिल जाएगा। सिंबलिज्म बेसिकली पोइटिक डिवाइसेस भी है क्योंकि पोइट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है। पोइट्री के अंदर चांद सितारों की बातें होती हैं, वो एज अ सिंपल यूज़ किया गया होता है। तो सिंबलिज्म के सिंबल्स जो हैं वो हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं पे कोई सिंबल अगर इस्तेमाल किया गया है तो सिंबलिज्म के अंदर आता है। और अगर 3 से 4 चीज़ें आपको सिंबल्स मिल जाती हैं पोइम के अंदर, ड्रामे के अंदर, नॉवल के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि ऑथर ने, राइटर ने, पोइट ने, पोइटस ने सिंबलिज्म की टेक्निक इस्तेमाल की है अपने वर्क के अंदर। उम्मीद है कि सिंबलिज्म आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें। इसके अलावा जो नोट्स पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर लिया करें www.bscln.com। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे। अपने टॉपिक को सर्च करें और पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।